हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लेके आए हैं 6 सितंबर की। मैंने बताया था बैकलॉग को मैं क्लियर करूँगी, तो 6 सितंबर का जो अभी रह गया था वो किसी काम की वजह से, तो उसको हम आज कर लेते हैं। देखिए PIB की जो मैं न्यूज़ बता रही हूँ आपको, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे करके जाइएगा। चाहे अपने आप करिएगा, चाहे मेरे साथ करिएगा, जैसे करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि इसे करना नहीं है, करना ज़रूर है, चाहे मेरे साथ करिए, चाहे आप यू कैन डू बाई योर ओन, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप जिस स्टडी को कर रहे हैं वो आए उसे करिए, ऐसा मत करिए कि जो नहीं आ रहा है बस केवल मतलब बहुत सारा अवेलेबल है ऑनलाइन पे तो इसलिए कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, जिसके चैनल से भी पसंद है उससे करिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे चैनल से करिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अभी PIB को हम देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है PIB, और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहला वाला जो है वो इसमें देख लेते हैं, ओके। तो देखिए, प्रेसिडेंट कॉल्ड ऑन द बुल्गारियन प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट कॉल्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बिलेटरल ट्रेड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन द सोफिया, द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी, ओके। द प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद मेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिस्टर बोयको बोरिसोव टुडे, ओके, इन द सोफिया कैपिटल ऑफ बुल्गारिया। ड्यूरिंग द डिस्कशन द प्रेसिडेंट सैड दैट अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर बोयको बोरिसोव बुल्गारिया हैज़ मेड वेरी कमेंडेबल प्रोग्रेस एज अ नेशन, ठीक। प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद सैड दैट इंडिया वॉन्ट्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक रिलेशन विद द बुल्गारिया। बुल्गारिया हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग। इंडियन कंपनीज आर वेरी इंटरेस्टेड इन दीज एरियाज एंड दे वॉन्ट टू जॉइंटली इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट इन बुल्गारिया, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा मार्केट है वहाँ इंडिया इन्वेस्ट करना चाहती है, इस पर भी क्वेश्चन आया था, और कौन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है उस पर भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब ये देखिए, बुल्गारियन दैट ऑन देयर स्पेशल डे नेशनल इंटीग्रेशन डे दे हैव गिवन परमानेंट रेसिडेंस टू महात्मा गांधी। द प्रेसिडेंट सेड दैट दिस इज अ ट्रू ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी हु हैड स्पेंड हिज एंटायर लाइफ इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। महात्मा गांधीज व्यूज एंड वैल्यूज आर वेरी रेलिवेंट इन टाइम्स ऑफ कन्फ्रंटेशन, टेंशन, वायलेंस एंड डिवास्टेशन। After the end of the trip to Bulgaria, the president left of the Czech Republic. It is notable that president was on a trip to 3 European countries, Cyprus, Bulgaria and the Kazakh Republic. Okay, ये था इस न्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट टुडे विजिटेड हिज फैमिली टू मीट द रिलेटिव्स ऑफ द लेट वाजपेयी। प्रेसिडेंट मिस्टर एम वेंकैया नायडू टुडे विजिटेड द रेजिडेंस ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। हिज डॉटर श्रीमती दीपा वेंकट वॉज ऑल्सो विद द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू इंटरेक्टेड विद द फैमिली मेम्बर्स ऑफ लेट वाजपेयी एंड आस्क्ड हिज वेलबींग। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द लेट वाजपेयी स्टेड एट एन ऑनर। वाकई में बहुत ऑनर के काबिल थे, बहुत दुख है उनके जाने का हमें। एंड देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ने एक तो विजिट वहाँ करी है और एक और आ रही है इसके अंदर, इसे देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट विल विजिट अमेरिका टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस हुई है। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू विल गो टू अमेरिका ऑन 8-9 September 2018 टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड वर्ल्ड हिंदू कन्वेंशन। द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन शिकागो इन 1893 ऑन 125th एनिवर्सरी ऑफ द हिस्टोरिक स्पीच गिवन बाय स्वामी विवेकानंद इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। उसके ऊपर ही इसको 125th एनिवर्सरी के रूप में वहाँ मनाया गया। द वाइस प्रेसिडेंट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय 14 अमेरिकन तेलुगु अमेरिकन एसोसिएशन इन टेम्पल इन ग्रेटर शिकागो। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ही विल इंटरेक्ट विद मैनी वर्ल्ड लीडर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़। डॉक्टर प्रणव पांडे प्रोवाइडेड डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 1.25 crore फॉर द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है। डॉक्टर प्रणव पांडे चीफ ऑफ ऑल इंडिया गायत्री फैमिली टुडे कॉल्ड ऑन PM श्री नरेंद्र मोदी एंड प्रोवाइडेड डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 1.25 crore फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के लिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट विद रिलेटेड इट, ठीक है, इट्स जस्ट अस लाइक दैट। चीफ ऑफ ऑल इंडिया गायत्री फैमिली टुडे कॉल्ड, इट्स अ सेम है ना, होम मिनिस्ट्री। नाउ वी टेक इट, होम मिनिस्ट्री इनॉग्रेट्स डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस 2012 कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड इन्वोकिंग न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज। न्यू ड्रोन पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड सून, श्री राजनाथ सिंह।
ठीक है, होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह हैज कॉल्ड अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज टू कॉम्बैट द इंजीनियरिंग चैलेंजेस फॉर टेररिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी सो दैट देयर कैपेसिटी विल बी इंक्रीज. द होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 3 डिफेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस 2012 हेयर टुडे. इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाई PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विद अ कॉपरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. श्री राजनाथ सिंह सेड दैट द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट द रिसेंटली अनाउंसड न्यू ड्रोन पॉलिसी. देयर विल बी ओवरऑल रूल्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ द ड्रोन. ही सेड दैट द इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट हैज बीन यूजिंग ड्रोन्स extensively. The drone is used for monitoring areas affected of sensitive areas and leftist extremism where the deployment of the surveillance team is difficult. Okay, तो इस तरीके का ये कुछ क्रिएट करने वाले हैं. अब देखिए, अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज इन जम्मू कश्मीर गुजरात आसाम. न्यू टेक्नोलॉजी फैसिलिटी विल बी स्टार्टेड सून इन जम्मू रीजन. ही सेड दैट द सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड इन द सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर एरिया हुज लेंथ इज मोर देन 7,500 किलोमीटर्स. ऑफ दीज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक फेंसेस. द एरिया ऑफ अबाउट 900 किलोमीटर लॉन्ग फॉर द सेफ्टी एंड द मॉनिटरिंग ऑफ सच अ लॉन्ग बॉर्डर एरिया वी नीड लेजर रडार एंड द modern techniques. He said that cyber crime is the biggest threat to the world today and to use it modern technologies must be used for this. ठीक है, the home ministry has created a special cell. The director of CRPF Mr. Rajiv Rai Bhatnagar gave a presentation about the paramilitary forces deployed in the ensuring security of the nation. They also introduced the template for future requirements. On the occasion, senior government and police officer, Israel Ambassador Ms. Maya Kadosh, President of PhD Division, Mr. Anil Khitan, Senior Vice President and Vice President of Mandal, Mr. Rajiv Talwar and Mr. DK, Mr. Rajiv Bhatnagar, PhD Mandal, who was the President of Agrawal Defense and Internal सिक्योरिटी कमेटी. ऑब्वियसली भैया, अपनी जो सिक्योरिटी है उसे बहुत अच्छा करना ही पड़ेगा क्योंकि हर जगह फेंसिंग हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, और एक नया क्राइम निकल के आ रहा है ये आजकल, साइबर क्राइम, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही एडवांस होकर चलना पड़ेगा बिकॉज आजकल तो जो टेररिस्ट है वो भी बहुत एडवांस हो गए हैं. तो वी नीड टू गेट सम अडॉप्टेड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू सेव अवर जितने भी डाटाज हैं उसे सेव करने के लिए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी. ठीक है, कुल मिला के ये वाली बात थी. तो अब हम नेक्स्ट न्यूज़ इसके अंदर देख लेते हैं. अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सो सेव वाटर मेक वीडियो गेट रिवॉर्ड्स कंपटीशन. मोहम्मद अमजाद, सुप्रीत देव एंड चंदन कुमार विन प्राइज इन द सेकेंड फॉर्टनाइट. वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा कंजर्वेशन मिनिस्ट्री अनाउंस द नेम ऑफ द विनर्स फॉर द सेकेंड फॉर्टनाइट 25th July, 8th August इन वाटर रेस्क्यू मेक अ वीडियो अवार्ड स्पू कंपटीशन फॉर द पीरियड फ्रॉम July 25 to August 8, 2018. मोहम्मद अमजाद तुमकुर फ्रॉम कर्नाटका, श्री सुरप्रीत देव फ्रॉम कर्नाटका एंड चंदन कुमार फ्रॉम चंपारण सिक्योर्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्लेस रेस्पेक्टिवली. दीज विनर्स विल बी अवार्डेड अ प्राइज मनी ऑफ 25,000, 15,000 एंड 10,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली. सेव वाटर मेक वीडियो गेट अवार्ड स्टार्ट द कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मेगा portal. The ministry started the objective of spreading awareness about the water conservation. Any Indian citizen can participate in this competition. They have to record a new video on this subject. They have to upload their entry on YouTube and click on the video link section of the MyGov. ठीक है, MyGov means My Government contest page. www.mygovernment.in. ठीक है, तो this is the address. 3 winners will be selected each fortnight till November for this year. ओके, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा कंजर्वेशन मिनिस्ट्री हैज़ अर्ज सिटीजन्स टू रिकॉर्ड वाटर कंजर्वेशन बेस्ट यूज ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड ऑफ वीडियोज एफर्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बेटर प्रैक्टिसेज इन द फील्ड ऑफ द वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. कंपटीटर्स आर अर्ज टू अपलोड द ओरिजिनल वीडियोज. द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो शुड बी बिटवीन 2 minutes to 10 minutes. ओके, इन हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर रीजनल लैंग्वेजेस एंड इट शुड नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉपीराइट लॉ 1957 और एनी थर्ड पार्टीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इसे ध्यान में रखते हुए
बनाना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉलिसी कमीशन। ओके, सो नाउ वी टेक दैट नेक्स्ट वन मूव। प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल मोबिलिटी समिट 2018। समिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद द एक्सपेंशन ऑफ द मोबिलिटी एरिया वी विल बी एबल टू क्रिएट मोर जॉब्स एंड फैसिलिटी द ईज ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल मोबिलिटी समिट मूव इन विज्ञान भवन ऑन सेप्टेम्बर 7। द टू डे समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाई द पॉलिसी कमीशन इन द विज्ञान भवन इन द कैपिटल। एट द समिट स्पेशल एम्फेसिस विल बी ब्रिंगिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स इन वन प्लेस टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ मोबिलिटी एंड इंक्रीज मोबिलिटी ऑन डिफरेंट फोरम्स। ड्यूरिंग द समिट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस इंट्रो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एकेडमिक्स पॉलिसी थिंकर्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड ग्लोबल लीडर्स इन मोबिलिटी सेक्टर लाइक OEM बैटरी मेकर चार्जिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर विल एक्सचेंज दियर व्यूज अबाउट मोबिलाइजेशन मोबिलिटी। दिस इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस बिफोर द समिट डॉक्टर राजीव कुमार डिप्टी चेयरमैन पुलिस कमीशन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑन दिस ओकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट वर ऑल्सो रिप्रेजेंट। डॉक्टर राजीव कुमार डिप्टी चेयरमैन पुलिस कमीशन सेड दैट द एक्सपेंशन ऑफ द मोबिलिटी एरिया वी विल बी एबल टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज द ईज ऑफ लाइफ इंडियन सिटीजन्स। पुलिस कमीशन CEO अमिताभ कांत सेड दैट थ्रू द ग्लोबल मोबिलिटी समिट आवर मेन ऑब्जेक्ट इज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द वे पीपल आर ट्रैवलिंग इन इंडिया विद द शेयरिंग ऑफ मोबिलिटी एंड मेकिंग दैम अनइंटरप्टेड। ठीक है, सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री वारवीर मलिक सेड दैट विद द प्रियोरिटीज ऑफ रोड सेफ्टी हाउ कैन वी इमेजिन द मैक्सिमम यूज ऑफ द करेंट लोकेशन ऑफ द रोड इन इंडिया इन द फ्यूचर। एनर्जी सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला डिस्कस द इनिशिएटिव टू इंक्रीज द चार्जिंग स्ट्रक्चर ऑफ द हाईलाइटेड द स्टेप्स नेसेसरी टू इंक्रीज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया। अजय प्रकाश साहनी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्फसाइज दैट द डेवलपमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड एफिशियंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया एंड द ग्लोबल मोबिलिटी समिट इज द फर्स्ट समिट ऑफ इट्स काइंड इन विच मोर देन 2,200 डेलीगेट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स इंडस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अकेडमिक्स आइडियाज एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। द समिट विल बी ऑर्गेनाइज इन कंसल्टेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग समिट डिजिटल एग्जीबिशन एंड मोबिलिटी वीक। ठीक है, ये था पूरा इसके अंदर जो हमें एक आइडिया देखना था। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। ठीक है, अब देख लेते हैं सुनामी मॉक प्रैक्टिस आयोवा 18 फाइनल, इसके अंदर क्या है। इंडिया अलॉन्ग विद द अदर 23 कंट्रीज ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट ज्वाइन द सुनामी मॉक प्रैक्टिस। ठीक है, इन द इंडियन ओशियन रीजन ऑन 4th and 5th September 2018. This exercise was organized by IOVE, okay, IOVE 18, the commission which helped establish the Indian Sea Tsunami Warning and Mitigation System. Okay, that system is IOTWMS. After the tsunami that took place on the December 26, 2014. Okay, all the coastal states participated in the IOVE 18 to tsunami exercise yesterday. IOVA 18 in India was organized by Indian National Sea Information Service Center, National Disaster Response Force NDRF, and Earth Sciences with the help of the National Disaster Management Authority NDMA of the Ministry of Home Affairs. In the practice of tomorrow, more than 1,000 people were expelled from Andaman and Nicobar. Similarly, 1,200 people were evacuated in 3 districts of West Bengal. In Tamil Nadu, 5,054 people were rescued in 13 districts. About 100 people were evacuated in Puducherry.
Around 1 lakh people were evacuated from 9 districts of Andhra Pradesh and 8,020 in Odisha and 6 districts, 328 villages. In this tsunami mock practice for 2 days, all coastal states tested their communication system while receiving information bulletin from the INCOIS, INCOIS. Senior advisor of NDMA, Majal Jain, retired Dr. V.K. Nayak, worked as a supervisor in a practice and made contact with the partner, the states, and tested them for getting bulletins in crisis. It is a good news. ठीक है, होना भी चाहिए. मतलब after 2014 ये चल ही रहा है. तो next इसके अंदर हम ले लेते हैं. The circular economy, the capacity of resources can reconcile the challenges of economic growth while reconciling the environmental sustainability. India's development path will be green according to the development agenda for Dr. Harshvardhan 2030, Mr. Hardeep Puri 13th Transparency Summit inauguration of. Okay, insisting on the fact of the efficiency of the circular economy and resources can be reconciled with the continuity of the environment, solution to the challenges faced by the process of economic growth, the Ministry of the Environment, Forest and Climate Change, Dr. Harshvardhan, need corporate participation in capacity building and a circular economy. Yes, I have told while addressing the 13th Affair Relief Summit on the future of all here today. ठीक है, Dr. Harshvardhan has been successfully in the management and development of forest, focusing on the development of the Indian economy with wildlife habitat and environment system. He said that according to the latest report of Indian Forest Survey, 1% increase in the area of forest and trees in India has been recorded. He stressed that while talking about sustainable development, there should be a talk of economy and environment together. Obviously hona bhi chahiye. The present government has given equal importance to both of these and we are moving forward on the path of the continuous development. Dr. Harshvardhan discussed the recent implementation of single window approval system environment in the realm of environment, forest, wildlife and coastal control area. He said that automated system will help the applicants identify the status of their application and improve environmental clearance. Dr. Harshvardhan has given India 5P pupil mass, planet, constellation and prosperity. Okay, prosperity. So this is the news, okay, on the summit of that type of environment and habitat. ऑब्वियसली भैया जब भी आप डेवलपमेंट की बात करें तो इन चीज़ों को ना भूलें, ये तो बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है. ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं. इसके बाद में मिनिस्ट्री हैवी इंडस्ट्री, ओके, तो इस पर देख लेते हैं जरा. Inauguration of charging centers of e-vehicles in Dwarka, Delhi. Ministry of Heavy Industries and Public Entrepreneur 2018. चलिए देखते हैं. Inaugurating the e-charging infrastructure in the New Delhi, Anant G. Songs. Okay. Union Heavy Industry and Public Enterprises Minister Anant G. Gait inaugurated the charging centers in the Dwarka Metro Station premises in New Delhi today. Charging infrastructure with the 18 charging centers has been developed by the Rajasthan Electronics and Instruments Limited, REIL. On the occasion, Sri Anand Ji Gait said that 400 e-rickshaws would be able to charge their vehicles without charging this charging center. He said that if the sponsor is ready, then charging will be free forever. REIL has established 45 charging centers in different cities so far. Heavy Industries Department has provided the funds for the charging center established by REIL. Last week, Mr. Anand Gite has launched 8 charging centers in the Udyog Bhavan campus of New Delhi for charging facilities of e-vehicles in order to reduce the pollution level and make cities clean and environmentally friendly. The government working on FAMI. Second, for promoting public transport based on electric energy. In the second phase of the FEMI plan, the development on the charging infrastructure needs to be developed to ease the electric mobility in the country. The department has notified FAME India
scheme in the year 2015 under National Electric Mobility Mission Scheme of the government. Managing Director of Delhi Metro Rail Corporation was also present on this occasion. ठीक है, so इसमें ये जो दिया गया है चार्जिंग का, ई चार्जर्स अवेलेबल कराएंगे, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो हमारी इस समय हमें ज़रूरत है, तो उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन जो देखने को मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो इन्फेंट्स को कर रहा है, किड्स को कर रहा है, क्योंकि बच्चे के स्कूल जाते हैं तो दे सफर्स मोर एंड मोर, बिकॉज उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी थोड़ी वीक रहती है, और उनको हमें बचाने की ज़रूरत है, बिकॉज दे आर आवर फ्यूचर. तो उसके लिए हम अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, और टेक्नोलॉजी की बातें करी जा रही हैं, तो फिर अगर एनवायरनमेंट सेव ही नहीं हो रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. कितने भी आप मॉडर्न हो जाओ, कितनी भी टेक्नोलॉजी ले आओ, कपड़े पहन के कोई मॉडर्न नहीं हो जाता, इंग्लिश बोलने से कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है. टेक्नोलॉजी बिल्ड योर फ्यूचर, और फ्यूचर इज़ आवर किड्स. तो अगर उसके ऊपर ही हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बहुत ही गलत चीज़ है, बिकॉज ओल्ड एंड किड्स और इन्फेंट्स के लिए पॉल्यूशन बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, और उसे हमें देखने को मिल भी रहा है कि आजकल कितनी सारी जो डिसीज हैं वो हो रही हैं. तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कितना भी पढ़िए, मॉडर्न होइए, लेकिन उसके साथ में अपना एनवायरनमेंट से भी जरूर होइए. सपोर्टेड दैट इलेक्ट्रिक जितने भी व्हीकल्स हैं, आई लव इट, बिकॉज बहुत अच्छा है, वो पॉल्यूशन नहीं करते हैं. तो थोड़ा तो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखो भैया, अपनी भी सेहत ख़राब कर रहे हो और दूसरे की भी. तो प्लीज़ अपनी हर जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनको तभी यूज़ करिए जो ज़रूरत है, और अलग अगर आपका मतलब लाइफ में अगर हो सकता है तो आप स्विच कर जाइए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे. इट्स रियली गुड टू आवर फ्यूचर. ठीक है, चलिए. मिनिस्ट्री ऑफ चार्जिंग सेंटर हम लोग द्वारका दिल्ली देख चुके हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर पे देख लेते हैं हम. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, श्री उपेंद्र कुशवाहा प्रोवाइडेड CBSE टीचर अवार्ड. ओके, 17-18 टू 37 टीचर्स एंड प्रिंसिपल CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है, श्री उपेंद्र कुशवाहा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टुडे ऑनर 37 टीचर एंड प्रिंसिपल ऑफ CBSE एफिलिएटेड स्कूल फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इनोवेशन इन क्लासरूम टीचिंग फॉर द ईयर 17-18. CBSE हैज़ टू मूव फॉर CBSE अवार्ड 17-18. लीग्स प्रिंसिपल्स वर इन्वाइटेड टू अप्लाई ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ हैंड रिटन एप्लीकेशन एंड टीचर्स. द बोर्ड हैड सेट अप अ नेशनल लेवल स्क्रीनिंग कमेटी instead of regional committees to be constituted. The committee selected award winners on the following grounds. ठीक है, अब इसके अंदर देख लेते हैं हम. द जनरल क्राइटेरिया इसका क्या था, फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ अवार्ड सच एज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन, फंक्शनल रिसर्च, ऑफ कोर्स द कम्युनिटी एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट अचीवमेंट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स. स्पेसिफिक क्राइटेरिया सच एज इफेक्टिवनेस एज अ टीचर, करेक्टिव टीचिंग एंड टीचर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कन्वर्जेशन और डायलॉग सिटिंग फेस टू फेस. एमंग द प्राइज विनर्स देर आर ऑल्सो प्रिंसिपल्स बिसाइड्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी टीचर्स. प्राइजेस have been set for the first time of the public performing arts, special educationist, school counselors, professionals, exercise education, IT teachers. ठीक है, greeting ceremony, Mrs. Reena Rai, secretary, school education and literacy, Mrs. Anita Karwal, chairman, CBSE, Shri Anurag Tripathi, secretary, CBSE and Human Resource Development Ministry, and VSKVS and many dignitaries of many other prestigious dignitaries was organized in. ठीक है, ये है आपकी CBSE एंड स्कूल टीचर्स रिलेटेड न्यूज़. सो लेट गेट नेक्स्ट वन. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडिया US 2+2 डायलॉग हैज़ बीन वेरी कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव एंड पर्पसफुल. डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण. डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण हैज सेड दैट द इंडो US 2+2 डायलॉग हैज़ बीन वेरी कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव एंड पर्पसफुल. आफ्टर द मीटिंग ही थैंक्ड US डिफेंस मिनिस्ट्री जेम्स मैटिस एंड फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पी फॉर हिज विजन एंड कमिटमेंट. इन अ प्रेस स्टेटमेंट ही सेड दैट वी अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका. मिसेस सीतारमण सेड दैट इन टुडेज मीटिंग वी रिट्रेटेड आवर कॉपरेशन इन इंश्योरिंग पीस स्टेबिलिटी एंड एम्फसाइज द फुलफिलमेंट ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस बिटवीन द टू कंट्रीज वी विल फाइट टुगेदर विद द थ्रेट ऑफ टेररिज्म एंड अवर शेयर सिक्योरिटी चैलेंज. ऑब्वियसली टेररिज्म को तभी हम मूव अवे कर सकते हैं, स्टे आउट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, जब हम लोग साथ में आके करेंगे. और इंडो यूएस प्रैक्टिस तो वैसे भी बहुत
अच्छा है, होना भी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं और कुछ हमें काम का मिल जाता है तो। द डिफेंस मिनिस्टर सेड दैट वी डिस्कस द टॉपिक एंड इट्स एक्सपेंशन ऑफ अमेरिका बाय मेकिंग अमेरिका इट्स मेन डिफेंस पार्टनर। ही सेड दैट इंडिया वेलकम्स द डिसीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रोवाइडेड अंडर द US इंडिया STA टायर वन स्टेटस ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन वी रिव्यू द स्टेप taken by the government regarding the promotion of defense production in India under the Make in India program. Mrs. Sita Raman said that the first 2+2 communication between the US and India is the result of the vision of Prime Minister Narendra Modi and the President of America Donald Trump. This will connect the two countries to new highlights. Good one. Achhi news thi. नेक्स्ट है आपकी रेलवे मिनिस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल ऑर्गेनाइजिंग ए सेमिनार ऑन यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर मोबिलिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेड द नंबर ऑफ पेपरलेस अनरिजर्व टिकट्स वाज 195 इन 2014 व्हिच इंक्रीज्ड टू 67,000 लास्ट ईयर दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 35,000% ओवर 3 years मिस्टर पीयूष गोयल हैज रिलीज द सप्लाई मोबाइल ऐप related to Indian Railways e-purchase system. This app provides data and information about e-contract and e-auction related activities of Indian Railways. The Railway Ministry and Rail Information Service Center CRISE, ठीक है, organized a seminar on use of information technology for mobility here today. Ministry of Railways and Coal, Shri Piyush Goyal was the chief guest in this program. Mr. Piyush Goyal also released supply mobile app related to Indian Railways e-purchase system. Mr. Piyush Goyal said that the time has come that we will restore the charm of Indian Railways. In my view, the change in the condition and direction of Indian Railways can be brought about through technology. He said that the railways are trying to make changes in the areas of track. ठीक है, अब ये तो हो गई कुछ रेलवेज की बातें जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मोबाइल ऐप के बारे में इनका था। चलिए आगे देख लेते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऊपर है ये। So, India in the 87th International Trade Fair in Turkey. India, Turkey is the partner country of the 87th International Israeli International Trade Fair, which starts on the Friday, 7 September 2018. In the trade fair, India will launch a large business pavilion, Source India, through which 75 Indian companies will increase the ties with the Turkey and other neighboring countries to boost India's exports. This is a series of sources India Pavilion, which is being organized by the India Trade Promotion Council TPCI in the important trade fair of the world to increase India exports. TPCI is a trade and investment promotion organization of the Commerce Department in the Ministry of Commerce and Industry. It works to explore new ways of cooperation in trade and investment between India and the rest of the world. The 87th International Trade Fair will be held from the September 7 to 11 September in the city of Izmir. The third largest population in Turkey after Istanbul and Ankara, India's national anthem will be sung due to India's involvement as a country centered in the fair, and India's tricolor will be seen waving on the screen capped at the fair. A special pointer will be set up to ease reach of buyers and visitors to the Source Pavilion. Indian ambassadors in Ankara, Sanjay Bhattacharya, said that the India-Turkey have great potential to increase trade cooperation between agriculture and food processing sector. They said that there is immense potential for establishing a joint venture of Indian entrepreneurs in Turkey due to the vast Turkish market and access to European markets. Okay, ये भी एक अच्छा अचीवमेंट है, होना भी चाहिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए जिससे कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो बाहर बिजनेस करें और कुछ इंडिया को भी प्रॉफिट हो जाए। फेक वेबसाइट ऑफ सागरमाला दैट यूआरएल शिपिंग हैज कम टू द नोटिस ऑफ द मिनिस्ट्री HTTP सागरमाला कॉर्किन
A fake website's links with a POP looking for the job with is expected to any other real stakeholders in the programming sent via email used to be. This fake website appears to be similar to the original websites of Cobra Post Sagarma and has given a misleading advertisement about recruitment of engineer trainee and diploma trainee. Through this release, people are being warned against such false and misleading advertisement. It is notable that such breach of fraud, misrepresentation, forgery and fabrication or duplication is a clear violation under the Information Technology Act (ITA) and Indian Penal Code (IPC). As it has been found in this case, quick and stringent criminal action is being initiated against all such entities or organization of such fraud. All stakeholders in the Sagarmala program must keep in mind that the official domain of Sagarmala's website is www.sagarmala.gov.in. Okay, it's just a news. ये fake website है जिसके बारे में information दी जा रही है. Please उसको ध्यान दीजिएगा. ठीक है, ये जो ID जो नीचे जो address नीचे दिया गया है वही original है. ऊपर जो दिया गया है वो fake है. Don't use it. Okay. And PIB news very important. Last में यही कहूँगी. और I hope आप लोगों को पसंद आया होगा. All the best for your examination. Next series के साथ में जल्दी मिलेंगे. Have a nice day.